अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर फाइन एंड सेफ। वी आर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। वी हैव स्टार्टेड अ यूनिट ऑन कंप्यूटर सिस्टम। टुडेज टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द टास्क यू हैव टू परफॉर्म इज अ क्वेश्चन। राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। गिव टू एग्जांपल्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मुराद है और इसकी दो एग्जांपल्स दें। सो लेट्स सी द आंसर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन्स द कंप्यूटर। कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को रन करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। It controls the flow of signals from CPU to the various parts of a computer. कि जो signals का flow होता है उनको control करता है CPU से different computer parts में। कि CPU में जो भी आपके processing होती है उसके बाद जो data transfer होता है उसके जो signals होता है उनको control करता है। Examples में हम देखते हैं, examples are Windows, Mac OS ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल के आपने जो सा कंप्यूटर खरीद लिया या लैपटॉप लिया है, ठीक है। अब जब तक आप उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं करेंगे देन हाउ कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट एनी इंस्टॉलेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बगैर आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा वो कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे आप कंप्यूटर लेते हैं उसके अंदर फिर हम विंडोज़ करते हैं, ठीक है। विंडोज 7, 8, 8.1, 10 ये सारी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स यूनिक्स ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू में इन सब में जो कनेक्शन होता है उसको होल्ड करता है, ठीक है। कि जैसे ही आपने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कोई भी आपने डाटा एंटर किया है तो वो डाटा जो है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ट्रांसफ़र करेगा सीपीयू को। सीपीयू देन ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से ट्रांसफ़र करेगा कि ये डाटा इसकी प्रोसेसिंग हो गई है और देन वो आउटपुट डिवाइसेस जो उनसे वो आपको शो कर देंगे। सो लेट्स सी द पिक्चर। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय सेइंग द पिक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम मटेरियल, ठीक है। अब ये देखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आपने डाटा एंटर किया है, ये इनपुट डिवाइसेस माउस और कीबोर्ड के थ्रू आपने डाटा एंटर किया ऑपरेटिंग सिस्टम में गया, वहाँ से सीपीयू के पास जाएगा। और सॉफ्टवेयर, जैसे गूगल है, गूगल एक सॉफ्टवेयर है, उस पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है। कोई भी आप लिखते हैं कि हमने कार्टून्स देखने हैं, हमने ये मूवी देखनी है, तो जब आप लिखेंगे तो वो सीपीयू के पास जाएगा प्रोसेसिंग होने के लिए। जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो सीपीयू रिटर्न करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को अगेन, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो आउटपुट डिवाइसेस को जाएगा और वहाँ से आपका डाटा शो होगा, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जो सिग्नल्स का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है और एक ये मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है। इसके अलावा या फिर इसके बगैर जो कंप्यूटर है वर्क नहीं कर सकता। सो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पिक्चर में देखें आप, इधर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये यूबंटो, मैक, विंडोज, आईओएस, ठीक है, ये सारे क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।